Hi student, today we will start the topic logarithm definition. तो first question है आपका sin x की power log x, फिर log x की power sin x. next question है sin x की power cos inverse x, फिर है x की power x और इसकी भी power x, ठीक है. फिर tan की पावर 10x, tan की, ये देखो यहाँ पे ये x इंटू एक्स होकर यहाँ पे tan की पावर x है, ये ध्यान रखना है, ठीक है. फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर x डॉट रूट x. फिर इसी को मैंने क्या किया है, इसको मैंने जो आपका लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है उसमें आपको क्या करना है कि इसको मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोर पार्ट्स टाइप में ठीक है. जैसे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर. तो ये फर्स्ट टाइप है. अब ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है. तो सेकंड टाइप क्वेश्चन देखो, नोट कर लीजिए प्लीज़ पहले. तो y इक्वल्स टू में साइन x की पावर 10x प्लस कोस x की पावर sec x, फिर है log की पावर x प्लस x की पावर log x, फिर है cos x की पावर x, और सेम क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी के जैसा. तो साइन x की पावर x, x है ये, ठीक है. फिर है log x की पावर x प्लस cosec स्क्वायर x, फिर है x की पावर x e की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस 3. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x x स्क्वायर माइनस 3, यानी कि x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का होल x स्क्वायर, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है आपका x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर. फिर 13th क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई x होल की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 बाई x. फिर 14th क्वेश्चन है आपका x इंटू कोस x होल की पावर x प्लस x इंटू साइन x होल की पावर 1 बाई x. और फिर 15th क्वेश्चन है आपका, 15th क्वेश्चन है x की पावर साइन x माइनस कोस x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी. तो आप ये क्वेश्चंस नोट कर दीजिए. देखो हमने जो अब तक डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई x की पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, कि n इंटू x की पावर n माइनस 1, ठीक है. पर यहाँ पे होता है क्या, इसको मैं क्या समझता हूँ कि यहाँ पे ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर क्या होता था, कांस्टेंट. तो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे. एक तो कंडीशन ये हुई आपके पास. फिर सेकंड कंडीशन, a की पावर x का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे हम, a की पावर x log बेस e और ये a, a की पावर x log बेस e a, ठीक है. बट यहां पे कंडीशन क्या थी, यहां पे ये a क्या था, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ. फिर आपका फोर्थ केस क्या हो सकता था, ए की पावर एक्स. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए की पावर जो ए है ये आपका क्या, प्योरली कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल एक्स नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट हुआ. तो इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, जीरो. तो यानी कि ये क्या हुआ आपका, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है जी. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी समझना, भाई एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा. तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि भाई एफ एक्स होल की पावर एन, बात तो वहीं पे आनी है, ठीक है. चलो जी, अब जो हमारा है भाई, ये तीन केसेस तो हम पढ़ चुके हैं. अब अगर केस ऐसा हो सकता है, देखो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी हो गई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो सकता है, या कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो सकता है. तो चौथा जो केस हमारे पास बचता है वो ये बचता है कि भाई जैसे मान लो एक्स की पावर एक्स है, तो ये वेरिएबल और ये भी क्या हुआ, वेरिएबल, दोनों ही क्या हो गया, अब मतलब कि जो बेस है वो भी वेरिएबल में होगा और जो पावर है वो भी किस में होगा आपका, वेरिएबल में होगा, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़, इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ कि भाई ये जो x है, ये जो x है ये कुछ रहा होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, साइन x, साइन x,
तो ये भी है वेरिएबल और ये भी एक क्या हुआ, एक वेरिएबल फंक्शन हुआ। तो इसको मैं एक्स एफ एक्स मान लेता हूँ और एफ एक्स की पावर क्या हुआ यहाँ पे, मैं इसको जी एक्स मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ जी एक्स, क्या मान लेता हूँ जी एक्स, क्लियर। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मतलब क्या पता चलता है जी कि भाई वेरिएबल, की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब ये तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम पढ़ते हैं लॉगरिदम डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ते हैं हम, लॉगरिदम डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात, हमें अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, जी एक्स का, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये हम इसको ऐसे लिख लो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बस समझने के लिए, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये फर्स्ट की पावर सेकंड, फर्स्ट की पावर सेकंड, और जो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है और जो सेकंड लिखा हुआ है, आर द फंक्शन ऑफ, आर द फंक्शन ऑफ किसके रहेंगे, ये एक्स के फंक्शन रहेंगे, ठीक है, एक्स के फंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लो हमें क्वेश्चन वो इस फॉर्म में देगा कि y इक्वल टू में एफ एक्स ब्रैकेट में जी एक्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, दो ही कंडीशन है और वो ही बार बार यहाँ पे अप्लाई होगी जो लॉग की है, ठीक है, दो। और मैंने लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं, ठीक है नहीं, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में शायद ना, ठीक है। तो उनके फॉर्मूले के रूप में देखो, फर्स्ट फॉर्मूला हमें पता है कि जैसे मान लो ठीक है, जैसे लॉग, ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स की पावर एम, और मैंने क्या बताया कि ये जो पावर होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी होती है, ठीक है ना, सिर्फ इसकी, ये होल की पावर नहीं होगी। तो ये जो पावर है ये कहाँ पे आ जाती है, आगे आ जाता है। तो ये मैंने पावर को आगे लिखा और ये कहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, लॉग एक्स, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है, अगर ये इस तरीके से लिखा हो कि लॉग एक्स होल, सॉरी लॉग एक्स होल की पावर एम, तो ये यहाँ पे आगे नहीं आएगा, ये आगे नहीं आएगा, ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। लॉग के बाद में जो लिखा अगर उसकी पावर है, वही पावर आगे आती है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे आप इसको रिवर्स में लेके जा सकते हो। रिवर्स का मतलब भाई, मान लो आपका यहाँ पे एम लॉग एक्स है और आपको इसको मिनिमाइज सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको पावर को आगे लेके जा सकता हूँ, तो जहाँ से आई थी इनटू में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम हो जाएगा। तो इधर से इधर और इधर से इधर हम दोनों तरफ जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब मैं लॉग बोथ साइड लूँगा तो देखना, लॉग क्या हुआ, ये वाई हुआ, फिर ये लॉग कितना हुआ, लॉग भाई पूरे के साथ में लॉग आया, तो ये एफ एक्स था और इसकी पावर क्या थी आपके पास, जी एक्स थी, इसके पावर क्या थी, जी एक्स। अब प्रॉपर्टी पे जाते, देखो इसकी पावर जो भी होगा वो आगे आ जाएगा, तो आगे आने का मतलब क्या हुआ कि जी ब्रैकेट में एक्स डॉट लॉग, ठीक है जी, एफ एक्स कहाँ पे आया, बाहर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये कितना बना जी, लॉग वाई बना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, और अब इसमें डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं बचा है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो देखो लॉग किसके रेस्पेक्ट में करना, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लॉग पहले किसका करेंगे, वाई का, तो ये क्या हुआ, वन अपॉन वाई, ठीक है जी। और वाई का करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्लियर बात। फिर अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट का क्या होगा जी, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का लॉग, और ये पूरा क्या मानोगे, ये पूरा आपके लिए क्या हो, एक्स, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ एक्स प्लस, फिर सेकंड ऐसे ही लिख दिया मैंने। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है जी, डिफरेंशिएशन आपको करना है जिसको आपने क्या माना हुआ है, जी एक्स, ये होगी बात।
तो ये काम करना है बस। फिर आपको बाद में वाई को इधर लेके चले जाना है, तो डीवाई बाई डेक्स क्या बनेगा फाइनली, डीवाई बाई डेक्स फाइनली क्या बनेगा आपके पास वाई, और ब्रैकेट में ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगर इसको और छोटे फॉर्म में समझना हो, और छोटे फॉर्म में समझना हो, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड का माना है, ठीक है नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड का इसको मैं थोड़े जल्दबाजी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने इसको y माना किसको, i की पावर सेकंड को। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, क्या ले लूँगा मैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये मैंने लॉग लिया टे क्या हुआ लॉग वाई, तो लॉग फर्स्ट की पावर सेकेंड, तो जो सेकंड है, जो पावर है, जो पावर है वो आगे लोग, ठीक है, लोग कितना जी फर्स्ट का लोग प्लस, फिर क्या करना है जी सॉरी पावर आगे लोग फर्स्ट, तो ये क्या हुआ लोग वाई। अब क्या करना है डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएशन, तो वन बाई वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो फर्स्ट ऐसे ही, ये वाला ऐसे रहेगा लोग लोग एक्स का, यानी कि लोग फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन बाई फर्स्ट वाला आ जाएगा, और प्लस में लोग वन, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी अपॉन में डी एक्स। तो ये आपका प्रोसीजर होगा जो आपको फॉलो करना है इन केस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एक लोग की प्रॉपर्टी और एक और पढ़ी हुई है, ठीक है, लोग में देखो अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था एक प्रॉपर्टी थी कि ए लोग, अगर बेस ये ए है और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो जो आपका बेस है, जो यहाँ पे पावर पावर वाला बेस है और जो लोग का बेस है, अगर ये दोनों चीज, ये दोनों बेस और ये वाला दोनों इक्वल है, कैसी है इक्वल है, तो आपका आंसर सिर्फ एक्स ही रह जाता है। क्या रह जाता है, एक्स ही रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा टू लोग टू साइन एक्स, तो आपको क्या हुआ ये और ये चीज़ सेम है, ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, बस सिर्फ ये जो लोग को छोड़ के बाकी बचेगा वो आपका रहेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ और होगी, एक चीज़ क्या होगी, जैसे मान लो आपका ए, ठीक है ए, और जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ है लिखा हुआ है लोग ए एक्स, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले देखो प्रॉपर्टी ये आपकी, तो इन लोग से पहले कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे तो लोग से पहले इनटू में है, तो यानी कि यहाँ पे पहले मैं क्या काम करूँगा, ये जो पावर है देखो इसको ऐसे समझो, ये हुआ तो इस एम को तो मैं इसकी पावर में भी लेके जा सकता हूँ, इस एम को तो मैं इसकी पावर में भी लेके जा सकता हूँ, तो इसकी पावर में लेके जाओगे तो क्या बना ये लोग ए एक्स की पावर एम, और ये चीज़ सेम हुई, ठीक है, तो ये सेम है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ एक्स की पावर एम, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे हम लिखें अगर कि मेरे पास मान लो साइन एक्स लिखा हुआ है मान लो, तो मैं जरूरत पड़ने पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं जहाँ पे जो लोग अप्लाई करूँगा वो बेस नेचुरल बेस यानी कि ई वाला यूज करूँगा, ठीक है ना, तो ऐसे समझो अगर मैं लिखता हूँ ई की पावर लोग और x, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस क्या होता है x ही होता है, लिखो या मत लिखो सॉरी e, यहाँ पे बेस क्या होता है e होता है, लिखो या मत लिखो, तो यहाँ पे जब ये e है तो ये दोनों सेम हो गई ना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये दोनों सेम हो गई, और तो इसका आंसर क्या रहेगा x रहेगा। ठीक है, या फिर जैसे मान लो e है और m है, हमने लिखा log, ठीक है x, तो अभी हमने क्या बताया इस पावर को पहले यहाँ पे लेके जाएंगे ई की पावर लोग एक्स की पावर एम, तो फाइनली क्या बचेगा ये एक्स की पावर एम बचेगा। ठीक है, अब मैं रिवर्स भी जा सकता हूँ, अब रिवर्स जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिवर्स जाने से मतलब ये है आपका कि अगर मान लो आपका कहीं पे साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूँ कि ई की पावर, ठीक है ई की पावर लोग, मुझे पता है ये चीज़ तो सेम ही रहती है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन एक्स, तो इसका भी मतलब क्या है ठीक है। अब जैसे मान लो आपका कहीं पे लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर मैंने लिखा कोस एक्स, तो जरूरत पड़े देखो ये फंक्शन की पावर फंक्शन हुआ ना, तो इसको जरूरत पड़ने पे मैं लिख सकता हूँ ई, ठीक है जी लोग बेस ई साइन एक्स की पावर कोस एक्स, यानी कि जो ये है वो यहाँ पर लिख देना लोग के बाद में, और आपको पता है अब यहाँ पे लोग की प्रॉपर्टी ये पावर जो है वो कहाँ पे आ जाएगी आगे, तो ये e की पावर cos x इनटू में log sin x,
ठीक है, क्लियर है बात। तो हम अब इन प्रॉपर्टी के बेस पर देखो क्वेश्चन इसको करते हैं कैसे करते हैं। तो मैं मान लेता हूं आपके पास एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e की पावर लोग एफ एक्स की पावर जी एक्स, बिल्कुल ये सेम प्रोसीजर, ठीक है। फिर क्या करना है जी आपको, ये क्या करना है, इस पावर को तो मैं यहां पे लेके आ सकता हूं, तो लेके आ जाओ x log कितना है जी एफ एक्स, और ये किसके बराबर था y के बराबर, क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। अब ये किसके बराबर हुआ, इसको मैं y लिख सकता हूं, लिखा। अब मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो dy वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, और देखो ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर, मैंने कहा था कि फॉर्मूला मेरे पास सिर्फ e की पावर x का है, और मेरे पास e की पावर x का है, तो जो x जो लिखा हुआ है e की पावर में उसको पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्या मानेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर पूरा लिख दो जी, ये जी एक्स जो मतलब, ठीक है, लोग एफ एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूं किसका, जिसको मैंने x माना था, और तो जिसको मैंने x माना था जी यहां पे लिख दो, ठीक है नहीं, जिसको मैंने x माना था वो लिखा मैंने यहां पे, तो x किसको माना था कि भाई जी एक्स को और लोग एफ एक्स को, ठीक है जी, ये बात हो गई। तो अब क्या हो गया, अब डिफ्रेंशिएशन, तो देखो इसका मतलब तो अब भी इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका मतलब तो अब भी देखो इसको मैं पावर में लेके जाऊंगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इसका मतलब तो अब भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना आपको, तो ये फर्स्ट माना और ये माना सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन एफ एक्स हो जाएगा, प्लस में, प्लस में क्या होगा जी, प्लस में लोग एक्स लोग एफ एक्स एफ एक्स और इंटू में जी एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो जी एक बार डिफरेंशिएशन करने का कहते हैं जी डैश एक्स, तो ये रहेगा आपका, क्लियर है चीजें। चलो जी अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, ठीक। अब आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, हाँ हाँ ये हट जाता है, वही हो गया ना प्रॉपर्टी, रिवर्स जाओ भाई, ये इधर लेके आ गया मैं, इधर आ गया, तो ये क्या बना e की पावर लॉग ही हो गया ना, और e की पावर जैसे लॉग हुआ तो ये बचेगा बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, y इक्वल टू, ठीक है, साइन x की पावर लॉग x, पहले तो ये पहचान लो कि ये किस तरीके का डिफरेंशिएशन है आपका, भाई आपका डिफरेंशन किस तरीके का हुआ, भाई यहाँ पे भी x का फंक्शन है और यहाँ पे भी, तो किस टाइप से मैच हो गया ये, ये टाइप हो गया जी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और इसका मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट, लॉग प्रॉपर्टी, लॉग प्रॉपर्टी, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब बोथ साइड जब लोग लोगे तो ये क्या हुआ जी, लोग वाई और इक्वल टू में लोग, ठीक है, ब्रैकेट में साइन एक्स और एक की पावर क्या हुआ जी, लोग एक्स हुआ, क्लियर। और बाय द प्रॉपर्टी लोग क्या कहता है कि जो ये पावर होते हैं, जो इसके एक्स की जो पावर होगी वो आगे आ जाएगा, ये आ गया आगे, तो लोग एक्स, और ये ध्यान रखना पावर आगे आते ही आपको एक डॉट लगा देनी है ताकि आपको ध्यान रहे कि अपना आप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर क्या बचता है आपके पास, लोग क्या बचेगा जी, साइन एक्स, और ये क्या हुआ आपके पास, लोग वाई, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी, तो करो डिफरेंशिएशन, तो लोग वाई का डिफरेंशिएशन वन बाई y, फिर dy अपॉन में dx, ये क्यों आता है, क्योंकि मैं y को करूंगा ना x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे बड़े ध्यान से देखोगे तो ये तो फर्स्ट बन रहा है और ये पूरा क्या बन रहा है, सेकंड, तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फर्स्ट ऐसे ही रहेगा जी,
सेकंड का डिफिनेशन लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का मतलब ये क्या हुआ एक्स, तो लॉग साइन एक्स का हुआ पहले लॉग एक्स, फिर जिसको आपने एक्स माना है किसको साइन एक्स को, उसका डिफिनेशन क्या हुआ कोस एक्स, ठीक है जी। फिर प्लस प्लस लॉग सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफिनेशन क्या हुआ वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाई वाई डी वाई अपोन में डी एक्स इक्वस टू, देखो कोस अपोन में साइन क्या बना कोट एक्स, और क्या बना जी इंटू में लोग एक्स, और फिर क्या बना प्लस में वन बाई एक्स लोग साइन एक्स, ठीक है। अब ये वाई को आप इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो डी वाई अपोन में डी एक्स, तो इक्वस टू में क्या हुआ वाई इधर चला जाएगा, तो कोट एक्स इंटू लोग एक्स, ठीक है जी, और प्लस में वन बाई एक्स लोग साइन एक्स, और वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, वाई का जो आपका क्वेश्चन है तो ये रहा साइन एक्स की पावर लोग एक्स, और बाकी ये आपका पूरा, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है जी। फिर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो आपको एक ही मेथड यूज करना है, या तो आप ऐसे कर लेना कि भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, या ई वाला मेथड, ठीक है ना, तो मैं ज्यादा सारे क्वेश्चन इस मेथड से कराऊंगा, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, तो ये टेकिंग लॉग बोथ साइड ये लिखना है आपको, जरूरी है ये लिखना, ठीक है ना, तो क्योंकि उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, या किसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये क्या बना जी आपके पास लॉग वाई हुआ, और ये क्या हुआ जी आपके पास लॉग, फिर ब्रैकेट में लॉग एक्स, ठीक है जी, और इसकी पूरे की पावर क्या हुआ साइन एक्स, ठीक है। फिर वही लॉग क्या कहता है, लॉग एक्स की पावर जो होता है वो आगे, और लॉग एक्स बना, और मैंने कहा था जैसे ही पावर आगे आते हैं वहाँ पे डॉट लगा दो, ताकि आप जब क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप करो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ आपके पास लॉग वाई, क्लियर है बात। चलो अब इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो, तो कितना बना जी है वन बाई वाई डी वाई अपोन में डी एक्स बनता है, फिर साइन एक्स ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो साइन एक्स तो आप कैसे ही रहना है, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन तो लॉग और ये क्या मानोगे एक्स, तो वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का मतलब क्या हुआ लॉग एक्स, फिर जिसको आपने एक्स माना है, जिसको एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा वन बाई एक्स, क्योंकि एक्स किसको माना था लॉग एक्स को, प्लस अब की बार क्या होगा लॉग लॉग, ठीक है जी, क्या बना लॉग लॉग और जी एक्स, और साइन एक्स का क्या हुआ कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हुआ कोस एक्स, ठीक है जी। कुछ मिनिमाइजेशन नहीं हो रहा है, तो मैं लिखता हूँ इसको, देखो ये क्या बनेगा साइन एक्स अपोन में एक्स लॉग एक्स प्लस में कोस एक्स और लॉग 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 एक्स, ठीक है, ये क्या हुआ डी वाई अपॉन में डी, और ये जो वाई था ये जो ये इतना आया वन बाई वाई, ठीक है। अब स्टेप बढ़ाने के से अच्छा है इस वाई को मैं डायरेक्ट क्या, मुझे पता है ये तो वाई फिर भी यहीं पे जाना है, फिर भी यहीं पे जाना है, तो इसे वाई को मैं कहाँ पे लेके चला जाता हूँ, ये वाई हुआ इन टू में, वाई हो गया ना इन टू में, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है ये है, तो ये वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट आंसर। और देखो ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया था और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया था, इनके आंसर में ही क्वेश्चन छिपा हुआ है आपका क्वेश्चन, देखो ये आंसर था ना, तो इसके आंसर में क्वेश्चन छिपा हुआ है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, और यहां पर भी क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराते, फिर मैं इसको एक छोटा सा फॉर्म में और बताऊंगा इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट कीजिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है जी? कहता है कि साइन एक्स वाई बराबर में साइन एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। तो कहानी क्या रहेगी भाई? वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो फिर से क्या कॉन्सेप्ट? टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। अब आप ना देखो, अगर आपको समझ में आया हो लॉग का कॉन्सेप्ट, तो आप ना एक कहानी समझना यहाँ पे। आप जैसे लॉग लेते हो तो मुझे पता है जो ये पावर है ये तो आगे आनी आनी है ना, तो क्यों स्टेप बढ़ाए हम? ये पावर आगे आ गई, ठीक है, और इनटू मैंने क्या करता, जब पावर आ गया जी तो इनटू लगा देना है, फिर क्या रहना है आपके पास? लॉग साइन एक्स, ठीक है, हो गया एक स्टेप कम, ठीक है जी। फिर क्या करना है? अब करना है आपको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, करो जी डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बना? वन बाई वाई, ठीक है जी, और डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू में, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाली कहानी, तो फर्स्ट ऐसे ही, और लॉग साइन एक्स का करोगे तो लॉग साइन एक्स का होगा वन बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया? कोस एक्स। तो अब ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोट एक्स होता है। क्या होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा आपके पास? कोट एक्स, डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो लॉग साइन एक्स का कितना हुआ जी? कोट एक्स प्लस में लॉग और ये साइन एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन? वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और किस में होता है? ये माइनस में होता है, तो माइनस को यहाँ पे लिखने, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, क्योंकि कोस इनवर्स है, ठीक है। फिर ये वाई को इधर लेके जाना है बस, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो स्टेप कैसे करना है, मुझे पता है वाई को इधर लेके जाना है, ठीक है जी, और वाई की वैल्यू क्या है? सीधा सीधा लिखना है, और बाकी आपका कोट एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, और ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे है ना कि यहाँ पर, देखो ये तो x की पावर x होता, पर यहाँ पे क्या, ये होल की पावर x है, और आपको मालूम है जब ये पावर होती है ऐसे तो x इंटू एक्स हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x और इंटू में x का स्क्वायर। क्लियर बात? तो क्लियर हो गई बात, तो अब क्या करना है? देखो यहाँ पे भी इसको ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ, ये पावर में हो गया, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है जी। तो जब टेकिंग लोग बोथ साइड करेंगे तो क्या बना जी? वही कहानी चलनी है, अब कोई भी ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, एक बार बस लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट होते चले जाते हैं। तो कहानी क्या होती है? पावर आ गए, ये लिख दिया जी, और ये क्या हुआ? लॉग एक्स, ठीक है, कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हुआ जी? वन बाई वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे तो कहानी है रेटी रेटाई कहानी है, क्या प्रोडक्ट टूल, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाई एक्स होगा प्लस लॉग एक्स, ऐसे ही, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंस सॉरी टू एक्स, तो यहाँ से ये हो जाए कैंसिल आउट। फिर मुझे ये भी कहानी रट गई कि वाई तो इधर जाना ही जाना है, और जब वाई इधर जा रही है तो मैं क्यों स्टेप बढ़ाऊँ? तो क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर एक्स एक्स, और बाकी क्या बचता है आपके पास? एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। चाहो तो यहाँ से कुछ और एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे इसको x की पावर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर, और इन टू में देखना यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये ले लिया जी x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? वन प्लस में टू लॉग x बचता है। फिर अब देखो ये बेस इसका, इसकी पावर वन है, इसकी पावर x की पावर टू है, इसकी पावर वन है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है आपकी? ऐड हो जाती है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वन और ब्रैकेट में टू लॉग x प्लस वन, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो जी, अब इसमें ना एक चीज़ देखना भी,
क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार अपने आप से ट्राई करोगे ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आसान क्वेश्चन है बहुत ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कुछ इसी तरीके से जाना है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर जब सिक्स करोगे तो ये वाई सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स जब करोगे तो क्या है वाई बराबर में कितना है जी एक्स की पावर एक्स और इंटू में रूट में एक्स। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे देते हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर एक्स और इंटू में एक्स की पावर वन बाई टू, ठीक है ये लिख सकता हूँ। फिर क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, बेस सेम है तो पावर क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई आपकी फर्स्ट। अब देखो ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये तो अब भी वेरिएबल ही है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो टेकिंग लॉग वही कहानी टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई इक्वल टू में पावर आगे आ जानी है, ये आ गई ये पावर आगे लिखा, फिर लॉग एक्स रहेगा किसमें इनटू में ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब तो वही करना है बस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, करो जी। जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो देखो क्या होगा वन बाई वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्लियर है बात। अच्छा जी फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस सेकेंड ऐसे ही, और फर्स्ट का करोगे तो एक्स का वन और इसका जीरो, तो वन को लिखो या मत लिखो, फिर लेके जाओ जिसको इधर। अब वही कहानी, ये कहानी तो मुझे पता ही है कि भाई वाई तो इधर जाना है और वाई मेरा है कितना एक्स की पावर एक्स प्लस वन बाई टू, फिर ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो यहाँ पे वन बनेगा और प्लस में वन बाई टू एक्स और प्लस में कितना बनेगा लॉग एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया आपके पास ठीक है। चलो जी एक बार ना इसका आंसर देगा, इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे ठीक है। चलो अब इसका मैं ना इसको आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, अगर आपको मान लो करना है जल्दबाजी में ठीक है। देखो इधर देखो इसमें अगर आपको ये चीज़ें अगर ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए तो यहीं पे देखना एक ही लाइन में कैसे आंसर लेकर आना आपको उनका। जैसे आपके पास क्वेश्चन है क्या है जी साइन एक्स, एक बार ट्राई करना दो क्वेश्चन में, तो इतना मुझे पता है फंक्शन की पावर फंक्शन है तो मुझे लॉग अपनाना है ठीक है। और देखो इसके आंसर में ये तो आना ही आना है, तो आंसर में ये तो आना ही आना है, ये छाप दो जी, छाप दिया, फिर ब्रैकेट शुरू होता है, और ब्रैकेट शुरू होता है तो आपको पता है कि ब्रैकेट शुरू होता है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू यहाँ से आती है, और वो वैल्यू होती क्या है कि ये पावर आगे और इनटू में लॉग साइन एक्स, ये तो होता है। और उठा के डायरेक्ट आप अपने इसके दिमाग में रखो फर्स्ट और सेकेंड कर दो, तो फर्स्ट ऐसे ही ठीक है, और लॉग साइन एक्स का भी बताया क्या कोटेक्स, लॉग साइन एक्स का क्या हुआ कोटेक्स प्लस लॉग साइन ऐसे ही और जी लॉग एक्स का वन बाई एक्स, ये हो गया आंसर आपका। कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हो, जैसे आपने लिखा साइन एक्स की पावर कोस इनवर्स एक्स, तो कहानी क्या रहेगी इस क्वेश्चन की यही, तो इतना तो मुझे कंफर्म है कि भाई ये तो आना ही आना है, तो लिख दिया जी। अब फिर जो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन होता है वो किसका होता है कि ये पावर तो आगे रही होगी और इनटू में लॉग में रहा होगा क्या साइन एक्स रहा होगा, तो कर दो जी डिफरेंशिएशन, तो कोस इनवर्स एक्स लॉग साइन का फिर से कोटेक्स और प्लस में लॉग साइन एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस, माइनस को मैं यहां पे लिख देता हूं और ये आपका अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आंसर ठीक है। रिलेटेड ट्राई चीज है, तो ये तभी चीज समझ में आएगी जब आपको स्टेप बाय स्टेप आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे ठीक है। नहीं मैंने बताया हुआ है ना कि अगर आपको क्वेश्चन की एल को पता है कि कहाँ पे क्या करना है क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है ठीक है, नहीं अगर वे चीज़ें क्लियर है तो तभी आप शॉर्ट ट्रिक जिनको हम बोलते हैं ना वो अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक रटोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न भी रटना पड़ेगा ठीक है ना। हाँ इस पर आते हैं हम टाइप टू पर। अब आते हैं हम टाइप टू में, हमें क्या करना है
देखो यहाँ पर हमें क्या चीज़ है, अब इसमें टाइप वन और टाइप टू में डिफरेंस क्या है पहले वो समझो भाई। टाइप वन और टाइप टू में डिफरेंस ये है आपका कि जैसे मेरे पास एक तो ये क्वेश्चन था कि साइन एक्स लोग ये अकेला है, अकेला फंक्शन है, और टाइप टू में जैसे मुझे ये दिया हुआ है कि वाई बराबर में साइन एक्स की पावर टेन एक्स और प्लस में दिया हुआ है कोस एक्स की पावर सेक एक्स। जब मुझे ये दिया हुआ है तो डिफरेंस कह दो, मैं यहाँ पर बोथ साइड लोग ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बोथ साइड लोग लूँगा तो क्या हमने पढ़ा है अभी अभी कि लोग वाई ये लोग एक्स आगे आ जाएगा और ये लोग साइन एक्स आ जाएगा, लोग साइन एक्स। बट दिक्कत यहाँ पर है क्योंकि अगर मैं लोग ले भी लेता हूँ बोथ साइड तो ले लीजिए लोग वाई एक क्वेश्चन में लोग, और जब लोग लेंगे तो ये पूरा ही लोग के साथ में आएगा ना, साइन एक्स टेन एक्स और प्लस में कोस एक्स की पावर सेक एक्स, पर ये लोग के बाद में आया और लोग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी होती है या तो लोग ए इंटू बी की, लोग ए प्लस लोग बी, ठीक है। हमारे पास ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि लोग और ए प्लस बी, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही ये कलाकारी करनी है कि मैं इसको लोग ए लिख दूँ और लोग बी लिख दूँ, ठीक है। ये बिल्कुल आपका बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे देखो लोग अगर मैं इसको ए भी मानूँ और इसको बी मानूँ तो ये तो लोग ए प्लस बी है, लोग क्या है ए प्लस बी है, और लोग ए प्लस बी की प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, तो मैं जहाँ से क्वेश्चन लेके चला था क्वेश्चन तो और बढ़ गया। फिर अगर मैं ज़्यादा भी करता हूँ तो पहले लोग का करूँगा तो पूरा वन बाई एक्स में आएगा, फिर तो डिफ्रेंशिएशन तो फिर भी इसकी क्या करना है, और यही बात हमारी यहाँ पे। तो इसको करने के बाद तो हमने एक स्टेप यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और फ़ायदा कुछ नहीं मिला है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना, जब यहाँ पे दो या तीन चीज़ें प्लस में होगी, माइनस में हो सकती है प्लस में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या करना है, तो इसके भी दो तरीके के मेथड हैं, ई की पावर वाला मेथड है। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता देता हूँ, जिससे आपका मन करे वो कर लेना, ठीक है जी। तो देखो इधर, तो आप इसको देखना और कोशिश करना आप इसी मेथड से करो जिससे मैं बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हुआ जी वाई, क्वेश्चन नंबर है आपका सेवन, वाई इक्वल्स टू में, ठीक है जी, साइन एक्स की पावर टेन एक्स और प्लस में कितना है कोस एक्स की पावर सेक एक्स, ठीक है। चलो अभी आप में इसको क्या करना है भाई, ये तो मुझे पता चल गया कि मैं पूरा लोग नहीं लूँगा, ठीक है। चलो जी तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ना इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ यू और इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ वी, ठीक है। तो अब मेरा क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट यू बराबर में साइन एक्स और वी बराबर में साइन एक्स की पावर, पूरे को मानना है, पूरे को मानना है, ठीक है। तो यू बराबर में साइन एक्स की पावर कितना टेन एक्स और वी बराबर में कोस एक्स की पावर कितना सेक एक्स, क्लियर बात। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब इसी पे जाना है, अभी इसी पे जाना है, डिफरेंशिएशन मत करके बैठ जाना। तो वाई इक्वल्स टू में क्या हुआ मेरा यू प्लस वी, अब मेरा ये हुआ। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे डिफरेंशिएशन करना था, डीवाई बाई डी एक्स निकालना था, तो मैं डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यानी कि मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों को ऐड कर देना आपका आंसर आ जाएगा। और इसको करने से क्या है कि जब आप इसको अलग से निकालना और इसको अलग से निकालना, क्योंकि एक बार में आपका ध्यान एक ही चीज़ पे रहेगा, ठीक है। तो गलतियां होने के चांसेज आपके कम होंगे। जैसे जैसे आप लिखो जी नाउ करके लिख लेना आप नाउ, तो यू बराबर में क्या हुआ नाउ यू बराबर में कितना हुआ जी आपका साइन एक्स की पावर टेन एक्स,
साइन एक्स होल की पावर टेन एक्स, और इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमने पीछे किया हुआ है ना, फर्स्ट में फर्स्ट टाइप से ही होना है, जैसे हमने टाइप फर्स्ट किया बिल्कुल सेम हुई है। तो मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट, तो सारा प्रोसीजर आपको तो पूरा प्रोसीजर वो दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं करोगे। इन केस अगर मान लो आपका टाइम बहुत ही कम रह गया, या आपको उम्मीद नहीं है कि अगर मैं इस पूरे को फॉलो करूंगा तो मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो पाएगा, तो तब आप उसको डायरेक्ट करना, ठीक है, अगर टाइम की बहुत ही कमी है, ठीक है, वरना आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ, जैसे हमने पीछे अभी भी बताया, इसको मैं क्या लिखूँगा, डी यू अपॉन में डी एल, और मुझे पता है कि जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो आंसर में ये तो रहना ही रहना है, ये तो रहा जी। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, डिफ्रेंशिएशन किसका, आपको पता है कि ये पावर टेन एक्स आगे आ जाएगी और लॉग में क्या बचेगा जी, साइन एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम, तो डिफरेंशन क्या होगा आपका, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, डी यू अपॉन में, जब मैं डिफरेंशन करता हूँ तो पता है मुझे कि इसका जो डिफरेंशिएशन है तो उसके आंसर में क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये आ गया जी। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, और मुझे पता है लॉग जब लेता हूँ तो पावर आगे आ जाती है, और जी लॉग में क्या बन जाता है, साइन एक्स बन जाता है। तो कर दो फर्स्ट और सेकंड, तो टेन एक्स ऐसे ही रहेगा, और लॉग साइन एक्स का भी बताया फॉर्मूला, कोट एक्स डायरेक्ट प्लस, ठीक है जी। फिर क्या क्या करना है, लॉग साइन एक्स ऐसे ही, तो ये रहा जी लॉग साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया आपका, ठीक है, यह आ गया। फिर उसी तरीके से किसका करना है आपको, किसका करना है, वी का, तो वी इक्वल टू क्या था आपके पास, कोस एक्स होल की पावर क्या, सेक एक्स। फिर वही कहानी दोहरानी है, जब मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, पहले लॉग लेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप क्या करूंगी, लॉग लेना है, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, टेक लॉग, फर्स्ट स्टेप में लॉग लेना है, फिर सेकंड स्टेप में जो आएगा उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट में लॉग लोगे तो लॉग लेते ही ये पावर आगे आ जाएगी, और इनटू में क्या बचना है, लॉग कोस एक्स, तो सेक एक्स और लॉग कोस एक्स, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डी वी अपॉन में क्या बनेगा, डी एक्स। और ये कहानी मुझे बार बार हम वही चीज़ बात कर रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन है वो तो आंसर में आएगा ही आएगा, आया तो कोस एक्स होल की पावर क्या, सेक एक्स, ठीक है जी। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, इस वाले चीज का, तो sec x ऐसे रहेगा, और log cos x का ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर लिख लेना, माइनस को माइनस टेन एक्स होता है, क्यों होता है, क्योंकि log cos x का क्या हो गया, cos 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या होता है, माइनस में sin x, तो ये माइनस में टेन एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। फिर प्लस में log cos x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का होता है sec x और इंटू में टेन एक्स, ठीक है, ये हो गया आपके पास। चलो जी, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ रही है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, तो कोस एक्स, ठीक है जी, की पावर सेक एक्स, ठीक है। और अब क्या करना है इसमें, सॉरी कॉमन, तो कॉमन क्या हो गया, सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचा जी आपके पास, ये मैं प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, और ये माइनस वन बचेगा ये। अब फाइनल आंसर क्या होगा आपके पास, तो फाइनल आंसर हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या था, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, इसको इक्वेशन नाम ए दे देना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन ए, तो ए से लिखोगे तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इक्वल्स टू में भाई जो इसकी वैल्यू आई डी वाई बाई डी यू की, कौन सी आई आंसर आपका, ये पूरा आपको लिख देना है, ठीक है, ये पूरा आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस में, और ये पूरा यहाँ पे लिख देना, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है ये, तो ये ध्यान रखना बस इसमें, ठीक है। चलो जी, ठीक है, तो आप अब इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से करूँ, तो देखो उधर मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को वैसे प्रीफर आप फर्स्ट वाले मेथड से करना, एक क्वेश्चन ये बता दे रहा हूँ मैं एक बार, साइन एक्स
टेन एक्स प्लस में क्या था आपका कोस एक्स सेक एक्स, कोस एक्स सेक एक्स। तो क्या करना है जी, देखो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अभी लॉग की प्रॉपर्टी वेरिएबल क्या हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना e की पावर में लॉग, ठीक है, साइन एक्स की पावर टेन एक्स लिख सकता हूँ, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ e की पावर लॉग कोस एक्स की पावर क्या लिख सकता हूँ sec एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। नहीं अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिफिनेशन कर देना है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो करो इसका डिफिनेशन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले इसमें क्या लगेगा, ये e की पावर क्या हुआ, या पहले हाँ सॉरी इसको ऐसे करना है, तो ये पावर आगे आ जाएगी भाई, लॉग x है ना, x की पावर है, तो इसको मैं ये ऐसे हो जाएगा e tan x इंटू में लॉग साइन x, ठीक है जी, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा e sec x लॉग cos x। बस आपको क्या है यहाँ पे यू और वी मन नहीं मानना पड़ेगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर, अब आपको क्या करना है डायरेक्ट कर देना, क्यों, क्योंकि मुझे e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन पता है, इसका भी पता है, तो dy अपॉन में dx। तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, जिसको आपने x माना है, तो ब्रैकेट लगा के, तो x किसको माना है, इसको, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये tan x ऐसे ही, और log sin x का फॉर्मूला क्या होगा cot x, और प्लस में कितना है जी log sin x, और tan x का क्या हुआ sec स्क्वायर x, ठीक है। और सेम वही इसके लिए भी, कि भाई e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, sin x log cos x ये रहेगा, और फिर फर्स्ट और सेकंड तो आप कर ही लेंगे, पर मैं फर्स्ट और सेकंड अब इससे ज़्यादा और मैं नहीं करा पाऊंगा कि फर्स्ट सेकंड बार बार, तो प्रोडक्ट लॉ आप अप्लाई कर ही लोगे। अब क्या करोगे, ये चीज़ इसको फिर से उल्टा लेके जाओ, उल्टा लेके जाने का मतलब क्या है कि ये टेन कहाँ पे पहुंच गया, फिर से साइन की पावर पे, और ई और लॉग ख़त्म हो गया, तो ये तो फिर से क्या बन गया आपके पास, ये तो फिर से क्या बना जी ई, ये बना आपका फिर से साइन एक्स की पावर टेन एक्स, तो जैसे आपका मन करे, और बाकी ये रहेगा फिर से, ये भी क्या बन जाएगा कोस एक्स की पावर साइन एक्स, और बाकी जो भी होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा लेंथी सा है क्वेश्चन, बाकी वरना सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेक सॉरी ये आपका सेक है, यहाँ पे सेक एक्स, ये क्या है सेक एक्स, ठीक है जी, ये होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आप एक बार अपने आप से ट्राई करोगे, ठीक है, और इसमें मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन। तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर नाइन में देखना क्या होगा देखो ध्यान से, इसके भी मैं दो तरीके हैं आपके, पर है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नाइन, वाई क्वेश्चन में क्या हुआ जी, कोस एक्स की पावर एक्स, ठीक है, और ये दिया हुआ है, सॉरी ये आपका लिखा हुआ है ऐसे, देखो ये ध्यान रखना, ये दो तरीके से आएगा, तो यहाँ पे तो क्लियर होना चाहिए आपको, ये कोस है और ये पूरा थीटा का काम कर रहा है आपके लिए, और यही क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे सकता है, कोस एक्स की पावर एक्स, तो यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, ये भी थीटा का ही काम कर रहा है, ठीक है ना, बट अगर ये इस तरीके से दे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे एक्स सिर्फ इस पावर थीटा में है, और यहाँ पे क्या है, ये पूरे की पावर एक्स है, क्लियर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख के दे सकता है, कोस की पावर एक्स और एक्स, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, चाहे होल की पावर लिखो चाहे पूरे की पावर लिखो, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको अगर बोर्ड में आपका कुछ इस तरीके से आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख लूँगा, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, पर इस चीज़ को नहीं लिख सकता हूँ मैं, कि मैं कभी अपनी मर्जी यार ब्रैकेट लगाना भूल गया तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा, नहीं, तो क्वेश्चन जो है वो वही रहेगा, और ये आपका मतलब कि ये है, ये पूरा थीटा का रोल प्ले कर रहा है। चलो जी अब तरीका क्या होगा, अब आपको पता है यार मैं कोस को तो कर लूँगा, पर दिक्कत इसकी होगी, अब मैं डायरेक्ट अगर लॉग लेता हूँ, देखो ले लो डायरेक्ट, अगर मैं लॉग लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग हो ना ज़्यादा दिमाग चलाओगे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग चलाओगे लगाओगे तो क्या हो गया, फेलियर हो जाता है माइंड का, ठीक है, तो उससे बचने के लिए बहुत ध्यान देना, अगर मैं लॉग ले भी लेता हूँ तो एक बार करके देख लो,
लिया, ठीक है। नहीं होगा तो क्वेश्चन होगा, पर आपको वही मैंने बताया कि या तो आप 10 स्टेप में क्वेश्चन कर लो, या 5 में कर लो, या 7 में कर लो, या 6 में कर लो, आपके हाथ में बात है। मार्क्स आपको अगर 4 मार्क्स का तब भी 4 मिलने हैं, 10 में करोगे तब भी 4, 20 में करोगे तब भी 4 ही मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर वो 20 स्टेप नहीं चेक करेगा आपके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है एक्यूरेसी और मिनिमाइजेशन, तो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन को, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने का वे। अब यदि कि ये कोई थ्योरी थोड़े नहीं कि आप एक दो पेज भर दोगे कि नहीं जी 4 में से 2 तो मिल ही जाएंगे, भाई सही होगा तो मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे आप कर बीते भी हो तो ये पावर तो आगे नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे थीट इसकी पावर है। अगर ये होल की पावर होता ना, ये अगर ऐसे लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता तो तब ये पावर आगे आती, ये बन जाता एक्स लोग कोस एक्स, पर ये नहीं बनेगा कि भाई पावर आगे ले आओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, इसको देखो कैसे करेंगे। तो जिसका आपसे नहीं हो रहा है ना उसको आप यू मान लो, मान लिया जी, तो अब आपका क्या हुआ। तो मैं मान लेता हूँ लेट यू बराबर में एक्स की पावर एक्स, हो गई बात। अब क्या करना है इसको कर दो जी, तो वाई बराबर में क्या हुआ कोस, क्या हुआ यू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो क्या करूँगा अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान देना, ध्यान देना बहुत जोर से कि डी वाई अपॉन में क्या बना डी एक्स, और जी कोस ये मेरा क्या है एक्स है, ठीक है। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो फिर इंटू में 1 हो जाता, पर डिफरेंशन यहाँ पे क्या है लिखा है u, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी यू अपॉन में डी एक्स। जैसे मैं मान लेता हूँ साइन y लिखा हुआ है और मुझे डिफरेंशन करना है ये x के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखता था भाई cos y होगा और इंटू में क्या होगा dy अपॉन में dx। तो अगर यहाँ पे u लिखा है तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब दिक्कत क्या है यार, मुझे कहीं से ये वाली वैल्यू मिल जाए, और ये वाली वैल्यू तो आपके पास बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे, नाउ यू बराबर में क्या हुआ जी एक्स की पावर एक्स, टेकिंग लोग बोथ साइड, वही कहानी दोहरानी है, और हमें पता ही है कि लोग फर्स्ट स्टेप क्या करना है लोग लेना है, लोग टेकिंग लोग, तो टेक लोग लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है डिफ्रेंशिएशन कर देना है, डिफ्रेंशिएशन। तो इसका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब डायरेक्ट करोगे तो डी यू अपॉन में क्या बनेगा आपके पास डी एक्स, तो बराबर में क्या बना जी ये आपके पास बना कि भाई ये तो मेरा पता ही है मुझे आना ही आना होता है, फिर किसका एक्स इंटू में, और ये लोग एक्स, तो एक्स ऐसे ही फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंस 1 बाई एक्स और प्लस में लोग एक्स, ठीक है जी। और x का क्या हो गया 1, ये और ये कैंसिल, तो क्या बना जी ये x की पावर x और 1 प्लस में log x। उठाओ यहाँ पे रखो, और रखोगे तो फाइनल आंसर क्या बना देखो इधर, तो dy वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में कितना जी माइनस साइन u की जगह रख दो जो भी है ये रखा, और फिर क्या बनेगा जी इंटू एक्स की पावर x और 1 प्लस में log x। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड अगर मैं ई वाले से करना चाहूँ, ठीक है, तो ई वाले से कैसे करोगे, देखो वाई बराबर में कोस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर एक्स को, एक्स की पावर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई लोग एक्स की पावर एक्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई लोग एक्स की पावर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये पावर आगे आ जाएगी, लिख दो जी कोस e की पावर x इंटू लोग एक्स, हो गया। अब इसको आगे बढ़ा दो बस, अब क्या करना है y डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू जब x करोगे इसको आप, तो करो तो dy वाई अपॉन में इक्वल्स टू में कोस, ये पूरा मेरे लिए क्या आया अभी एक्स है, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, फिर किसका करना है जी डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है ये करना है मुझे ई की पावर एक्स इंटू में लोग
एक्स का, तो ये चीज तो आपकी क्या रहने है, माइनस साइन। अब ध्यान दो, ये सॉरी ना, ये पावर में है ना, ई लोग एक्स। अब ध्यान दोगे ये एक्स फिर पावर में चले जाएगा, ई लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जहाँ से आया था इसको फिर से वहीं पे लेके जाओ। और ये चीज़ आई कहाँ से थी आपकी, कहाँ से आई थी, एक्स की पावर एक्स से, तो ये तो एक्स की पावर एक्स ये बन गया, इन टू ई की पावर एक्स का डिफिनेशन बताओ, ई की पावर एक्स का डिफिनेशन होता है ई की पावर एक्स ही होता है, ये बन गया जी। फिर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का, और सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का वन, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब देखो जी, माइनस साइन एक्स की पावर एक्स इंटू ये कितना बना जी, ये वही घूम फिर के वही एक्स की पावर एक्स बन जाएगा, और बाकी वन प्लस में लोग एक्स। तो ये आपका इस तरीके किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। और ये वाला मेथड आप ज़्यादातर कहाँ पे अप्लाई करोगे, ये जो ई वाला है ना, ई वाला मेथड अप्लाई यहाँ पे करना, जहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे लोग या ऐसा कुछ वेरिएबल की पावर आ जाता है, जैसे इन बिटवीन आ गए ना, कोस में आ गए, तो मैं डायरेक्ट लोग लेने से बचूंगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो इसकी भी, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे, ये आपका क्या लिखा हुआ है, लोग y बराबर में लोग ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x की पावर x प्लस में cos x स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है। तो देखो ये लोग इन बिटवीन आ गया, और डायरेक्ट लोग लोगे तो भाई इस लोग में फिर ये अलग तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो मैं इसको फिर से वही क्या मान लेंगे u, और इसको क्या मान लेंगे v। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना लेट u बराबर में क्या हुआ x की पावर x, और v बराबर में क्या हुआ cos x स्क्वायर x, ठीक है जी। चलो जी, तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ, y बराबर में log क्या हुआ जी u प्लस v। अब इसको इक्वेशन नंबर नाम दो। अब क्या करना है आपको, डीवाई बाई डीएक्स निकालना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये लिखा जी। तो लोग एक्स का डिफरेंस क्या होता है, वन बाई एक्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और डीवाई बाई डीएक्स किसका करना है, डीवाई बाई डीएक्स किसका करना है आपको, यू प्लस वी का। और जब यू प्लस वी का डिफरेंशन आप करोगे तो क्या बनेगा, ये तो रहने ही रहना है यू प्लस वी, जब इसका डिफरेंशन करोगे तो क्या बनेगा, ये डी यू अपॉन में डी एक्स, और प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है तो आपकी एक्यूरेसी आएगी। और जो स्टेप आप मान लो आप थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ जा रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन में, तो एक दो स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये आया आपके पास। अब फाइनली मुझे यू की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू, मुझे चाहिए क्या, डी यू चाहिए, तो ठीक है लो नाउ करके निकालो जी। यू बराबर में क्या है आपका, एक्स की पावर एक्स है, तो कहानी खत्म, डी यू अपॉन में डी एक्स। सीधी सीधी सी बात कि भाई ये तो आना ही आना है, तो लिख दो जी, ठीक है। और फिर हमें पता है डिफिनेशन किसका, कि पावर इनटू में और बाद जो नीचे लिखा है वो, तो यानी कि फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफिनेशन, सेकंड का डिफिनेशन क्या हुआ, वन बाई एक्स हुआ, प्लस में लोग एक्स, और एक्स का डिफिनेशन क्या हुआ वन, ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बना जी एक्स की पावर एक्स बना, और क्या बनेगा आपके पास, क्या बना वन प्लस में लोग एक्स, ठीक है। फिर किसका करना है जी, वी का करना है, उठाओ जी वी को, वी को कोस एक्स स्क्वायर एक्स, क्या यहाँ पे लोग लगने की जरूरत है, नहीं ना, इसका तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे, तो हमने देखो जो अभी नए बच्चे हैं उनको देखना, तो कोस एक्स मैंने बताया ना जो पावर होती है इसको मैं होल की पावर लिख सकता हूँ ना, लिखा होल की पावर। और सबसे पहले जो डिफिनेशन करना है वो किसका करना है, स्क्वायर का करना है, तो यानी कि डी वी अपॉन में अगर मैं डी एक्स करूँगा तो पावर आगे आएगी, तो 2x की पावर 2 का 2x हो जाता है, तो कोसेक x, ठीक है। और फिर कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक x और कोट x, तो क्या बना फाइनल, ये बना माइनस 2 कोसेक स्क्वायर x और इनटू में कोट x, ठीक है। अब क्या करना है, फाइनल आंसर लिख देना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स किसके बराबर बना, वन अपॉन में यू, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास,
और ये और प्लस ये, तो x की पावर x, बाकी तो ये आपका कर लेना इसको, log x माइनस में 2 कोसेक स्क्वायर x और कोट x, ठीक है। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो सीधा सीधा कर देना, ठीक है, एक बार ट्राई करना अपने आप से। तो log, जैसे ये x की पावर x था और प्लस में कोसेक स्क्वायर x है, तो सीधा सीधा आप इसको कर सकते हो। देखो तो log, मैंने कहा था ना कि अगर इन बिटवीन है तो आप इसको क्या मान सकते हो, e की पावर log x की पावर x, और इसको तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब log, देखो ये log मैंने लिया नहीं है क्वेश्चन में, कभी ये सोचो कि सर ने तो log ले लिया, ठीक है, ये x की पावर e की पावर x log x और प्लस में cosec स्क्वायर x, ये चीज़ हो गई। अब इसको कर नहीं सकते, आप कर दो ये, तो ये वन अपॉन में लो, पहले लोग के लिए करोगे तो ये पूरा आएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन आप इसका कर ही लोगे, ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका y बराबर में x की पावर x इंटू e की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे तो इंटू है, और इंटू में तो log की मेरी प्रॉपर्टी होती है कि log a इंटू b में क्या हो जाता है, log a प्लस log b, तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट log भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, तो करो करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये क्या बना, log y इक्वल टू में log, अभी ध्यान से देखना, इस पूरे का होगा इंटू में, ठीक है, इंटू में क्या होगा e की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। अब log ये a हुआ और इंटू में b हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस में log b, ठीक है। अब देखो ये तो log e है ना, और यहाँ पे भी बेस e है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे तो मैं ये पावर क्या हो गई आगे, और ये log क्या बना जी x, ठीक है, प्लस ये पावर आगे आ गई, और ये कितना हो जाएगा log e और e, और हमें पता है कि मैंने प्रॉपर्टी बताया कि जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो मैंने 1 लिखा, और 1 को भी लिखो है मतलब लिखो, ठीक है। अब क्या बना है log y, अब तो इसका डिफरेंशिएशन आप बड़े आसानी से कर ही लोगे, क्या बना, तो 1 बाई वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू में, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या करना है, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2, ये और ये कैंसिल, तो क्या बना 1 प्लस 2, तो ये तो 1 हुआ प्लस 2 तो 3 प्लस log x और dy by dx, मुझे पता है y को मैं इधर लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा, तो भाई मेरा आंसर तो ये तो नहीं आना है ना, कितना बनेगा जी x की पावर x e की पावर 2 और x प्लस में 3 और ब्रैकेट में 3 प्लस में log x, क्लियर। अब इसी को अगर मैं e वाले मेथड से करना चाहूँ, e वाले मेथड से देखना इसी को सेगमेंट, तो y बराबर में x की पावर x को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर x को लिख सकता हूँ x e log x की पावर x इंटू e 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, ठीक है। अब इसको करो जी, तो y बराबर में क्या बना e x पावर को आगे ले जा जाता हूँ ये, और इंटू e 2 x प्लस 3, अब ज़्यादा समझदार बच्चे क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लगा के बैठ जाएंगे, और कम समझदार बच्चे क्या करेंगे कि भाई ये बेस है, क्योंकि कम समझदार बच्चे क्या रहते हैं ना, वो बहुत लो में सोचते हैं, लो में सोचने का मतलब क्या है कि वो फिर जब नहीं हो पा रहा तो बेसिक को ध्यान करते हैं यार क्या 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 था, तो जब ये बेस सेम है, ठीक है ना, तो बेस सेम है तो क्या करेंगे e की पावर x log x प्लस में 2 x प्लस में 3, आए ना बात समझ में, तो अब इसको तो इसको और आसान होगी, ये पूरा मेरे लिए क्या है अब x है, ठीक है, कर दो जी डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन में क्या करेंगे dx इक्वल्स टू में, ये तो ऐसे रहेगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा e log x प्लस में 2 x प्लस में 3, और डिफरेंशिएशन x log x का 1 बाई एक्स
प्लस में लॉग एक्स और जी प्लस में इसका करोगे तो टू। अब ये तो फिर से वही कहानी, ये अलग हिस्सा था और ये अलग हिस्सा था, तो इसको अलग अलग करूँगा तो इसका हिस्सा क्या बना था, एक्स की पावर एक्स। भाई देखो जो चीज़ है ना, ये कहाँ से आई थी चीज़, यहाँ से, और ये कहाँ से आई थी, यहाँ से, तो उठा के इसको, और ये कहाँ से आई थी, इससे, तो उठा के रख दो ना, एक्स की पावर एक्स, ई की पावर टू, एक्स प्लस में थ्री, और क्या हो जाएगा, थ्री प्लस में लॉग एक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्टीन्थ क्वेश्चन भी आप, सॉरी ट्वेल्थ क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे, ठीक है ना, जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है वो अपने आप से करोगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन अपने आप से करोगे, क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे आसान ही है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ आपका 14 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, y बराबर में x cos, यहाँ से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है x cos y बराबर में x cos x होल की पावर x, ठीक है जी, प्लस x sin x होल की पावर 1/x होल की पावर 1/x। तो कहानी क्या होगी यहाँ पे, वही u प्लस v, तो इसको मान लेना u और इसको मान लेना v, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो लेट करके मान ले, लेट u बराबर में दिस, ये पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा कंप्लीट, और ये v पूरा कंप्लीट, तो इसको, तो y बराबर क्या बना, u प्लस v बना, और फिर डिफिनेशन करूँगा तो dy अपॉन में dx मिलेगा आपको, तो du अपॉन में dx और प्लस में dv अपॉन में dx बनाना पड़ेगा। फिर वही कहानी कौन सी है जी, उठाओ u को, तो u किसके बराबर है, x cos x होल की पावर x, और क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस जो बेसिक है उसको पकड़ के रखना है, तो अब डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो वही वेरिएबल की पावर वेरिएबल हुआ ना, तो डिफरेंशिएशन du अपॉन में dx, तो पहले log लोगे, log लेने से आपका क्या बनेगा, log लेते ही ये बन जाएगा x log x cos x बना, ठीक है, तो इसका करोगे, इतना पता है इसके डिफरेंशिएशन में, ये तो रहने ही रहना है, ये तो आपको रटी पिटाई चीज़ है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन किसका, इसका, ठीक है, ये वाली चीज़ है, तो ये क्या हुआ आपका, इसको यहाँ पे कर दो, थोड़ा ये लेंदे पड़ेगा, तो ये क्या बना आपका, डी यू अपॉन में क्या बना, डी एक्स इक्वस टू में, भाई ये तो रहना ही रहना है आपका, एक्स कोस एक्स की पावर कितना, एक्स, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स लॉग एक्स कोस एक्स का, तो फर्स्ट ऐसे ही रख दिया जी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स कोस एक्स, फिर जिसको आपने एक्स माना था उसका भी डिफरेंशिएशन, और उसका डिफरेंशिएशन पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट और सेकंड है, फिर से क्या है, फर्स्ट और सेकंड, तो फिर से फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे रहेगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ, प्लस कोस एक्स ऐसे रहेगा, और एक्स का कितना हुआ, वन। क्लियर है जी बात, फिर सेकंड ऐसे ही रहना है, तो सेकंड क्या होगा आपका यहाँ पे, सेकंड हुआ लॉग एक्स कोस एक्स, ठीक है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है, तो फाइनल क्या बना, ये बना एक्स कोस एक्स होल की पावर एक्स, यहाँ से इसको एक्स से एक्स पे कैंसिल आउट हुआ, ये इधर गया, तो ये क्या बना, माइनस एक्स टेन एक्स बना, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वन बनेगा, और प्लस में क्या बना, लॉग ब्रैकेट में एक्स कोस एक्स, ठीक है, इसको चाहो तो प्लस वन प्लस में कर लेना, इसका ही हो जाएगा, और सेम प्रोसीजर उसका भी होगा आपका, सेम प्रोसीजर क्या हो गया, वी बराबर में क्या है, एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, तो करो जी, तो करना क्या है इसमें, तो डायरेक्ट करता हूँ डी वी अपॉन में डी एक्स, सबको कहानी पता है, कहानी क्या पता है जी, कि भाई जो है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, कि भाई पावर तो आगे ये हो गई, और क्या बचेगा, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो कर दो जी, तो ये तो सेम ही रहा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स साइन एक्स बनेगा,
और फिर हमें पता है जी ये फर्स्ट और सेकंड फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस, ठीक है प्लस, ठीक है। तो सेकंड ऐसे ही लोग एक्स साइन एक्स और फिर क्या बचेगा फर्स्ट, फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या वन बाई एक्स। और ये मैंने कहानी बताया कि कहीं पे भी अगर वन अपॉन एक्स की पावर एन है तो वन अपॉन एक्स की पावर एन है तो एन को तो ऊपर ले जाओ माइनस में और इसकी एक पावर बढ़ा दो तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, इसकी पावर वन है तो वन को ऊपर लेके चले जाओ माइनस में, ठीक है, और इसकी एक पावर बढ़ा दो तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या क्या हुआ जी, कैंसिल आउट। तो एक्स साइन एक्स होल की पावर वन बाई एक्स, अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और कोट एक्स अपॉन एक्स बचेगा, एक एक्स एक्स कैंसिल कोट एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन से साइन कैंसिल और वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर लोग एक्स साइन एक्स। और इसको e की पावर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। करो जी क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी हो जाएगा आज में कुछ नहीं आंसर ये, एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन यू और v, तो u का क्या हो जाएगा, तो y बराबर में क्या बनेगा डी यू अपोन में डी एक्स और डी वी अपोन में डी एक्स। देखो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें तो मैं डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, और लॉग मेथड से भी कर सकता हूँ। ये टाइप का मैं भी थर्ड टाइप पे जब आऊँगा ये वाला टाइप करा दूंगा किसको लॉग से कैसे करना है, फिलहाल तो आप डिवीजन रूल से अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो यू की कहानी क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो आपको कहानी पता है सारी डी यू अपोन में डीएक्स, हमें पता है कि भाई जो क्वेश्चन है वो तो आने आना है। फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे और क्या बनेगा लोग एक्स बनेगा, तो क्या बना साइन एक्स माइनस कोस एक्स लोग एक्स का वन बाई एक्स और प्लस लोग एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है आपका, ये आपके ना जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराए आपको तो ये उनके आंसर्स है, ठीक है, नहीं तो मैच कर लेना जब भी आप इसको सोल्व करते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर आपकी 10th होगी, लेक्चर नंबर 10 होगा और इसमें जो आपके दो टाइप्स बचे हैं वो वाले करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके।